आज तारीख हो चुकी है 28 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं सुडा के साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ी अब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम से या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे जहाँ पर कुछ फ्रेंचाइजियों ने 6 खिलाड़ियों को मना लिया। अब यहाँ पर इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी अब टोटली सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने जिन जिन लीग्स में यहाँ पर टीमें परचेस कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल यूएई टी20 लीग में, इसके साथ ही ऐसे 20 लीग में यहाँ पर जहाँ पर टीमें परचेस कर रखी है, केवल लीगों में ये इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलेंगे। हालांकि अब तक उन 6 इंग्लैंड के खिलाड़ियों के नाम रिवील नहीं हुए, लेकिन 6 इंग्लैंड के खिलाड़ी अब यहां पर इंग्लैंड से या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे और आईपीएल इसके साथ ही अदर लीग ही केवल खेलेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको 20 से 50 करोड़ के बीच एक साल का यहां पर पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर जितना इंग्लैंड इनको 5 साल में पैसा देता उससे अधिक अब बीसीसीआई केवल 1 साल में इनको पैसा देगा। तो कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से फुटबॉल में यहां पर होता है, जिस प्रकार से फुटबॉल में प्लेयर्स यहां पर अपनी नेशनल टीम की तरफ से ना खेलकर केवल अपनी लीग टीम की तरफ से यानी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलते, उसी प्रकार से अब आईपीएल में अब वो समय आने वाला। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये यहां पर सही इन खिलाड़ियों का फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है, जहां पर हैदराबाद की टीम ऑलरेडी काफी अधिक समस्याओं में, ऑलरेडी इस टीम ने काफी अधिक मुकाबले हार गई है और प्लेऑफ्स के लिए इस टीम को बचे हुए 7 में से अब भी 6 मुकाबले जीतने, और अब इस टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर आईपीएल से रोल्ड आउट हो चुके हैं, जहां पर वाशिंगटन सुंदर इकलौते ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, गेंद और बल्ले के साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले मुकाबले में तो इन्होंने गेंद के साथ 3-4 विकेट लिए थे, बल्ले के साथ भी काफी रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी शायद ये रहे थे। तो कुल मिलाकर अब सुंदर बार हो चुके, अब जल्दी शायद वाशिंगटन सुंदर की ये टीम रिप्लेसमेंट अनाउंस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम इनकी रिप्लेसमेंट जब भी अनाउंस होगी आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करके रख लें और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो। और आप कमेंट करके बताइए वाशिंगटन सुंदर की जगह आखिर हैदराबाद को बचे हुए आधे आईपीएल के लिए क्या रिप्लेसमेंट बुलानी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल का काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच, यहां पर पंजाब के होम ग्राउंड मोहाली से हमें देखने को मिलेगा, जहां पर लखनऊ की टीम पिछला मुकाबला काफी करीब से हार चुकी है। पंजाब की टीम ने पिछले मुकाबले में मुंबई को काफी बड़े मार्जिन से हराया था। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच आज हमें एक बड़ी भिड़न देखने को मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग लखनऊ और पंजाब में से कौन सी टीम को जीत मिलेगी, कौन सी टीम आखिर मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में यहां पर ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहां पर एबी डिविलियर्स की तरफ से। दरअसल एबी डिविलियर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। एबी डिविलियर्स ने यहां पर यह बताया कि यहां पर वो आईपीएल में आरसीबी की तरफ से 1-2 सीजन और खेलना चाहते थे। कुल मिलाकर इन्होंने यहां पर रिटायरमेंट हमें पता है कि आईपीएल 2021 के बाद अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन डिविलियर्स कुछ और सीजन खेलना चाहते थे। लेकिन डिविलियर्स ने यह बताया कि यहां पर 2022 में जो मेगा ऑक्शन था इसी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, क्योंकि मेगा ऑक्शन में ये आरसीबी का फ्यूचर देख रहे थे। ये चाह रहे थे कि आरसीबी की टीम इनको इतने बड़े अमाउंट में रिटेन ना करे, क्योंकि अगर इन पर काफी अधिक पैसे ये टीम लगा देगी और डिविलियर्स केवल 1-2 साल खेलेंगे तो फ्यूचर में इस टीम को प्रॉब्लम होने वाली थी। इसी वजह से डिविलियर्स ने मेगा ऑक्शन में यहां पर आरसीबी की टीम के पास पैसे बचे और अच्छा खासा स्क्वाड आरसीबी की टीम बिल्ड कर पाई। इसी वजह से 2021 के आईपीएल के बाद डिविलियर्स ने यहां पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। तो डिविलियर्स ने ये रीजन अब ये बताया, उन्होंने बताया कि वो यहां पर आरसीबी की तरफ से यहां पर और खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर आरसीबी का अच्छा स्क्वाड बने, आरसीबी का भला करने के लिए वो रिटायर हुए। तो हो सकता है कि एबी डिविलियर्स विचार करके शायद आने वाले सालों में एक बार कमबैक कर ले। वैसे चांसेस तो काफी कम है, लेकिन डिविलियर्स कमबैक भी कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप डिविलियर्स को आखिर दोबारा से आईपीएल में कमबैक करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जियो सिनेमा की तरफ से। दरअसल जियो सिनेमा अब तक यहां पर आईपीएल टोटली फ्री में यहां पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, आईपीएल को फ्री में ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हमें फ्री में यहां पर जियो सिनेमा पर रोज आईपीएल के मैचेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जियो सिनेमा प्लानिंग कर रहा है कि यहां पर जियो सिनेमा पर कुछ पेड फीचर्स दिए जाए। हो सकता है कि इन पेड फीचर्स के दौरान हम जियो सिनेमा को कुछ पैसे दें और हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिले, जो कि यहां पर फ्री आईपीएल देखने पर वो फीचर नहीं मिलते, वो पैसे देने पर वो फीचर मिले। फॉर एग्जांपल हम कमेंट्री से शायद लाइव चैट कमेंटेटर से हम लाइव चैट कर पाएंगे या फिर कमेंटेटर से हम लाइव मैच के दौरान बातचीत कर पाएंगे, इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल सकते। तो जल्दी यहां पर अब जियो सिनेमा का
पेड फीचर्स भी यहाँ पर लॉन्च होगा, जो कि आईपीएल के यहाँ पर बचे हुए 20-30 मुकाबलों में अप्लाई होगा। तो अब जल्दी यहाँ पर हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि जियो सिनेमा मंथली जो पेड चार्जेस होंगे वहाँ पर कितने रुपए लेगा और कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो फीचर्स इसके साथ ही आपको प्राइसिंग भी बता देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए अगर जियो सिनेमा यहाँ पर पेड फीचर्स लॉन्च करता है तो आप आखिर यहाँ पर ये फीचर्स परचेस करोगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने अगले आईपीएल ऑक्शन को लेकर यहाँ पर सभी 100 फ्रेंचाइजियों से बातचीत करी। बीसीसीआई ने 100 फ्रेंचाइजियों से ये पूछा है कि फ्रेंचाइजी यहाँ पर अगले साल मेगा ऑक्शन चाहती है या फिर मिनी ऑक्शन चाहती है। कुल मिलाकर 100 फ्रेंचाइजियों से यहाँ पर वोट कराया गया था। इनमें 70% फ्रेंचाइजियाँ अगले साल मिनी ऑक्शन ही चाहती है, वो अगले साल के बाद यानी 2025 के आईपीएल में मेगा ऑक्शन चाहती है, जबकि केवल 30% फ्रेंचाइजियाँ अगले साल मेगा ऑक्शन चाहती है। तो इस वजह से अब यहाँ पर बीसीसीआई को अगले साल मिनी ऑक्शन ही कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर 70% फ्रेंचाइजियाँ मिनी ऑक्शन की डिमांड कर रही है। तो अगले साल दोबारा से मिनी ऑक्शन होगा, 400-500 खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में आएंगे, उनमें से 90-100 खिलाड़ी या फिर मैक्स टू मैक्स 150 खिलाड़ी बिकेंगे। तो कुल मिलाकर अब जल्दी आईपीएल समाप्त होने के बाद ऑक्शन की डेट भी पता चल जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम सब कुछ अपडेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट कोई भी खबर मिस ना कर पाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मिनी ऑक्शन कराने का ये सही फैसला है या फिर नहीं, या फिर आप मेगा ऑक्शन आखिर देखना चाहते हो। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है डब्ल्यूटीसी के यहाँ पर बैकअप प्लेयर्स को लेकर। दरअसल डब्ल्यूटीसी के लिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों को बैकअप प्लेयर के तौर पर भारतीय टीम में जोड़ लिया गया, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को, सरफराज खान को, ईशान किशन को, मुकेश कुमार को, इसके साथ ही नवदीप सैनी को यहाँ पर स्टैंड बाय या फिर बैकअप प्लेयर के तौर पर भारतीय टीम में जगह दे दी गई, भारतीय टीम में जोड़ लिया गया। तो कुल मिलाकर अब ये खिलाड़ी यहाँ पर स्टैंड बाय के रूप में हमें डब्ल्यूटीसी के फाइनल के दौरान भारतीय टीम के साथ देखेंगे। ये खिलाड़ी भी यहाँ पर इंग्लैंड ट्रेवल करेंगे, इंग्लैंड ये खिलाड़ी फाइनल के दौरान मौजूद रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो इनमें से कौन से खिलाड़ी को आखिर सबसे पहले यहाँ पर टीम में लेना चाहिए। अब बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की। तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई के लिए बड़ी कुछ खबर है। चेन्नई की टीम के यहाँ पर तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी इस टीम के कैंप को अगेन ज्वाइन कर चुके, जहाँ पर इंजरी के चलते पहले खबर थी कि आईपीएल से ये बाहर हो गए, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने दोबारा से इस टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया। तो मुकेश चौधरी हो सकते हैं कि अब यहाँ पर 10 मई या फिर 5 मई के बाद, 5 से 10 मई के बीच ये कमबैक कर लेंगे और यहाँ पर चेन्नई के लिए अब ये प्लेऑफ्स के मुकाबले उपलब्ध होंगे और दीपक चेर भी प्लेऑफ्स के मुकाबले उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर मुकेश चौधरी और दीपक चेर की जोड़ी हमें प्लेऑफ्स में नजर आएगी। तो प्लेऑफ्स में अब चेन्नई गेंदबाजी शायद यहाँ पर सबसे मजबूत हमें नजर आए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मुकेश चौधरी के आ जाने के बाद क्या चेन्नई की टीम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी वाली टीम आखिर बन जाएगी या फिर नहीं। अब बात करते हैं नवी बड़ी खबर की। तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आईपीएल 2023 के एडिशन की पॉइंट्स टेबल को लेकर। दरअसल यहाँ पर चेन्नई और राजस्थान के मुकाबले के बाद अब पॉइंट्स टेबल इस प्रकार से यहाँ पर बन चुकी है। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल इस प्रकार से अब नजर आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीटली यहाँ पर आईपीएल की नई और लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल देख पाऊंगा। आईपीएल के 37-38 मुकाबलों के बाद की आप पॉइंट्स टेबल देख पाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए करंट पॉइंट्स टेबल को देख कर आपके आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, कौन सी चार टीमें आखिर इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल ऑक्शन के नए नियमों को लेकर। दरअसल बीसीसीआई प्लानिंग कर रही है जो अगला ऑक्शन जो आईपीएल 2024 का ऑक्शन जो हमें देखने को मिलेगा, उस ऑक्शन में कुछ यहाँ पर फुटबॉल की तरह यानी जो फुटबॉल लीग होती है उस प्रकार के नियम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाए। कुल मिलाकर जिस प्रकार से फुटबॉल लीग में यहाँ पर प्लेयर्स को ऑक्शन से पहले ही टीमें डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकती है, डायरेक्टली उन पर पैसा लगाकर डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर सकती है, उस प्रकार से आईपीएल में कुछ खिलाड़ियों को टीमें यहाँ पर बिना ऑक्शन में जाए डायरेक्टली अब सेलेक्ट कर पाएगी। इस प्रकार का नियम यहाँ पर बीसीसीआई अब ऑक्शन में लाने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये नियम अगर ऑक्शन में आता तो यहाँ पर काफी बदलाव हमें ऑक्शन में देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग ऑक्शन हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए नियम आखिर ऑक्शन में आना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।